नमस्कार। आज हम एक विज्ञान के बहुत ही डेवलप युग में जी रहे हैं, जिसमें हेल्थ पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और आज काफ़ी लोग हेल्थ के लिए जागरूक हो चुके हैं। इसी जागरूकता में एक चीज़ आती है कि आपको हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। काफ़ी लोगों में देखने को मिलता है कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो वॉकिंग कीजिए, और वॉकिंग करना इंसान ऐसे शुरू कर रहा है जैसे वॉकिंग ही सब कुछ है। एक्सरसाइज बहुत अच्छी बात है, वॉकिंग करना एक अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन वॉकिंग करना ही सिर्फ सब कुछ नहीं है। यदि आप केवल वॉकिंग करके बाकी चीज़ें जैसे फिटनेस, हेल्थ और सब पे ध्यान देना चाहते हैं, तो केवल वॉकिंग एक संपूर्ण एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? विकास के प्रक्रिया में इंसान जो बना है वो चौपाया जानवर से दो पाया बना हुआ है, वो केवल चलने के लिए बना हुआ है। तो चलना एक बेसिक प्रक्रिया है, इंसानी प्रक्रिया है, और यदि उस चलने को हम एक्सरसाइज के रूप में लेना चाहें तो शरीर के दूसरे हिस्से उसमें उपयोग नहीं होते। यह केवल इस तरह की बात हो रही है कि यदि आप खाना खाते हैं तो खाने में आप केवल किसी भी एक प्रकार की चीज़ को खाएं, या चावल खाएं, या केवल रोटी खाएं, या सब्जी खाएं, तो इस तरीके से संपूर्ण न्यूट्रिशन इससे कंप्लीट नहीं होता है। ठीक उसी तरह यदि आप केवल वॉकिंग करते हैं तो नो डाउट वॉकिंग से आप कैलोरी शेड कर सकते हैं, अपना फैट बर्न कर सकते हैं, लेकिन वो एक लिमिट के बाद जाने पर। बट इसके कैलोरी शेडिंग के फायदे के साथ साथ आपके शरीर में नुकसान क्या हो सकते हैं? यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो सिर्फ वॉकिंग करके आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं कि चलो हमने कुछ तो किया, वॉकिंग तो की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपकी एक बार आदत बन गई, चाहे आप आधे घंटे, एक घंटे, 1.5 घंटे इतनी वॉकिंग कर सकते हैं, तो आप दूसरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि आपने वॉकिंग शुरू किया तो आप वॉकिंग को ही केवल आप कंप्लीट एक्सरसाइज बना के करना शुरू कर देते हैं। तो यदि आप केवल वॉकिंग करते हैं तो उससे जो स्ट्रेस एरियाज हैं आपकी बॉडी में कहाँ आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो आपकी बॉडी की टोनिंग पूरी नहीं होती। वॉकिंग से सिर्फ और सिर्फ आपके लोअर लिम्स काम करते हैं और कुछ हद तक अपर लिम्ब में थोड़ा सा फायदा होता है, आपका पॉस्चर थोड़ा ठीक होता है, लेकिन वॉकिंग के साथ आपका फुट जोन जो है, पैरों की जो मसल्स हैं, पैरों की हड्डियाँ हैं, वो स्ट्रेस में आती है एक लिमिट से ज़्यादा के बाद। दूसरा, हील पेन आपको होने के चांसेस बढ़ते हैं। तीसरा, आपका काफ पेन होता है। चौथा, आपके मांसपेशियां जो थाइस की हैं वो भी थक जाती हैं, कूल्हे के मसल्स, हिप मसल्स भी थक जाती हैं, और फाइनली लोअर बैक पे भी स्ट्रेस आता है, और कुछ लोगों को अपर बैक में भी पेन होना शुरू होता है। तो ये पूरा, चूंकि इंसान खड़ा होकर चलना शुरू करता है, एक पॉस्चरल एक्टिविटी है जो कि कंटिन्यूसली होती है। चूंकि आपकी आदत पहले नहीं थी, आप धीरे धीरे आदत बना लेते हैं, तो यह आदत आपकी बन जाती है, आपको बेटर लगता है। लेकिन वॉकिंग के पश्चात आपको आइडियली रेगुलरली थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए, पूरे बैक मसल्स की, पूरे लेग मसल्स की, पूरे हिप मसल्स की, पूरे फुट की। यदि आप ये नहीं करते हैं तो एक लंबे समय के बाद आपके शरीर को उस स्ट्रेस को झेलने की आदत हो जाती है, और आप कहने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज का मूल मंत्र होता है कि आप बॉडी की एक्टिविटीज जरूर करें, लेकिन वो अंततः आपके शरीर को रिलैक्स करे, ना कि स्ट्रेसफुल करे। तो किसी भी एक्सरसाइज को यदि आप करते हैं, स्पेसिफिकली अभी वॉकिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हजार्ड्स होते हैं। हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी लोग आते हैं जो हैवी वेट हैं, या ओबेज हैं, या जिनको वजन कम करना है, खासकर फीमेल्स, कि हम तो केवल वॉकिंग करते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी गलतियाँ करते हैं कि वॉकिंग करने के लिए वो प्रॉपर शूज़ का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, वो केवल फॉर्मल फुटवेयर में भी वॉकिंग करते हैं, जिसके कारण से आपका पैर का स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है। तो आप जब भी वॉकिंग करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप एक प्रॉपर स्पोर्ट शूज़ का उपयोग कर रहे हैं, और वो भी एक रिजनेबल लाइफ होती है। बहुत घिसा हुआ या पुराना हुआ डिफॉर्म स्पोर्ट शूज़ यदि आप यूज़ करते हैं तो वो आपके स्ट्रेस का कारण बनता है। दूसरा, शुरुआत में जब भी आप एक वॉकिंग शुरू करें तो बहुत ज़्यादा वॉकिंग एक साथ नहीं करें। आइडियली आप ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत में 15-20 मिनट की वॉकिंग शुरू कर सकते हैं, और उसे धीरे 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 बढ़ाएं, और 3 महीने से 6 महीने में जाके आप उसे 45 मिनट या 1 घंटे का कर सकते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिवली वॉकिंग करना कहीं से समझदारी नहीं है, उसके बहुत सारे हजार्ड्स हैं। बल्कि ये आप कर सकते हैं कि आप 2-3 दिन वॉकिंग करें सप्ताह में, जो भी 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक हो, और उसके पश्चात आप रेगुलर स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा जॉगिंग, जंपिंग, सूर्य नमस्कार जैसी एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ों को आप कंबाइन करें। साथ ही पावर एक्सरसाइज, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज को आप जरूर करें, ताकि आपको शरीर का पूरा फायदा मिले। अन्यथा बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि यदि आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत मोटे हैं,
बहुत सारा फैट है, तो यदि आप वॉकिंग करते हैं तो धीरे 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 फैट आपका कम होने लगता है, डेफिनेटली आप दुबले हो जाते हैं, लेकिन आपका शरीर क्षीण दिखने लगता है, दुर्बल दिखने लगता है, वो बहुत लुक्रेटिव नहीं दिखता, बॉडी का शेप बिगड़ जाता है। इन शॉर्ट हम आम भाषा में कहें तो शरीर का फैट पूरा लटकना शुरू हो जाता है, आपकी टोन खत्म हो जाती है और वो बहुत गंदा सा लगने लगता है। सो बेटर है आप एक्सरसाइज को कंप्लीट रूप में करना शुरू करें, वॉकिंग को एक हिस्सा माने, 10 से 20% आप वॉकिंग करें जो वार्म अप या फिर थोड़ा सा इनिशियल एक्सरसाइज के लिए अच्छा है, बाकी बाद में आप थोड़ी सी टोनिंग जरूर करें, थोड़ा सा पावर एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा वेट एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा एंड्योरेंस करें, थोड़ा सा फास्ट कार्डियो करें, थोड़ा योगा करें, और उसके बाद मेडिटेशन और रिलैक्सेशन स्ट्रेचिंग के रूप में जरूर करें। तो ये सारी चीज़ें यदि आप करते हैं तो आपके वॉकिंग का भी फायदा आपको मिलना है, आपकी बॉडी की टोनिंग भी अच्छी होती है, आपकी बॉडी का शेप भी मेंटेन रहता है, और आपको वॉकिंग से होने वाले हजार्ड से भी काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाती है। सो प्लीज़ 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 आप जितने लोग वॉकिंग कर रहे हैं वॉकिंग जरूर करें, बट मेरी इन बातों का ध्यान रखें, आप एक्सक्लूसिवली वॉकिंग ना करें। एक्सक्लूसिव वॉकिंग कर रहे हैं तो खासकर आप ध्यान रखें कि रेगुलर स्ट्रेचिंग करें, रेगुलर स्पोर्ट शूज़ का इस्तेमाल करें, और एक वेयर आउट होने के बाद स्पोर्ट शूज़ को जरूर चेंज कर दें, और साथ ही जो हिस्सा मैंने बताया, फुट, काफ, थाइज, लोअर बैक, हिप मसल्स और अपर बैक और नेक मसल्स, इनकी माइल्ड मसाज और स्ट्रेचिंग वॉकिंग के बाद आप जरूर करें, ताकि आप कम से कम वॉकिंग के हजार्ड से बचे रहें। धन्यवाद।